क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो व्यक्ति अपना सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू को पता ही नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को उसने कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोक कर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में ही स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकली। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में अब बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या करी है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदल कर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं पर भी नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय मंगल और राजू पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए। डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया कि भूलवश उससे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप, नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य ये है कि जिस तरह हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। साथ ही में इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बिना मत जाइएगा।
यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।